कश्मीर में जो इस्लाम आया है वो इस्लाम का फर्स्ट अटैक जो है वो 1711 ईस्वी में सिंध से होते हुए मोहम्मद बिन कासिम का हुआ है। और फिर जो है वो कंटिन्यूस वो होता रहा है। और मोहम्मद गजनी भी, ठीक है, वो गजनी का भी वहाँ पे वो आए हैं। वो कश्मीर के जो राजा हैं आनंदपाल और समग्र राजा, इन सारे लोगों से उनकी लड़ाई हुई है और फाइनली वो सेटल नहीं हो पाए हैं। लेकिन कश्मीर जो है वो वहाँ का जो कल्चर है वो हिंदू कल्चर कहिए, सनातन कल्चर कहिए, बौद्ध कल्चर कहिए, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइज रिलीजन का पार्ट नहीं रहा है। और वहाँ के काश्मीरी पंडित मतलब वहाँ काफ़ी आप कह सकते हैं कुछ 2000 साल या जो भी उनसे पहले से वो रहते आए हैं। और वो बाय कल्चर वो कश्मीर के जो पंडित हैं या काश्मीरी पंडित हैं वो काफ़ी काफ़ी रिच रहे हैं वो लोग। और इस्लाम जो आया है वहाँ पे काश्मीर में वो सूफी आंदोलन के थ्रू आया है वहाँ पे। और सबसे बड़े जो दोषी हैं जैसे कश्मीर के पंडित लोग हैं वहाँ का जो वर्किंग क्लास था उन्होंने कभी उसको अपनाया ही नहीं, उसे कभी उसने माना ही नहीं। उन लोगों ने अपने फेथ को चेंज किया, उसकी उसने काश्मीरी पंडित ने कभी उसकी परवाह ही नहीं की। और वो धीरे धीरे आप जानते हैं कि इंडिया में भारत के लोग कब धर्म परिवर्तन कर लेते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता है। केरल में आप जाएंगे तो पता चलेगा कि एक ही चाय के दुकान पे ईसा मसीह भी हैं, काली की भी है फोटो है, अयप्पा भी है। तो भारत के लोग इस ऑर्गेनाइज रिलीजन का कभी पार्ट रहे नहीं है। जो भी पॉजिटिव तरीके से प्यार से अफेक्शन से उनके बीच में जाता है उसे वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो कश्मीर में भी ऐसा ही वो हुआ। पहले वहाँ की जो पब्लिक थी वो बुद्धिस्ट थी और धीरे धीरे सूफी संत के थ्रू वहाँ पे इस्लाम का प्रभाव आया। और उनके प्रभाव में मतलब जोर जबरदस्ती नहीं कह सकते हैं, उनके प्रभाव में जो वर्किंग क्लास जो थी वो आबादी धीरे धीरे इस्लाम में बदलती गई कश्मीर घाटी में। और आप जानते हैं कि मेजोरिटी जो है वो लद्दाख और जम्मू में वो हिंदू लोग जो हैं या हिंदू या बौद्ध लोग हैं। और जो उस बीच में बहुत सारे जो मुस्लिम मतलब ब्राह्मिन्स के जो इंटेलेक्चुअल थे जो ब्राह्मिन में जो स्कॉलर थे उन्होंने भी इस्लाम अडॉप्ट किया है अपनी मतलब उनको वो स्पेस मिला, वो रिस्पेक्ट मिला। तो उन्होंने उस स्पेस में उन्होंने या कहिए स्पिरिचुअल की तरह से मतलब आध्यात्मिक रूप से प्रभावित होके भी उन्होंने जो अपर ब्राह्मिन्स है उन्होंने अडॉप्ट किया है। तो वो उनका पोजीशन आज भी है। इसलिए आप जानते हैं कि वो मुस्लिम आइडेंटिटी में भी जो सरनेम है वो बहुत ही कॉमन है ब्राह्मिन्स के। खुद फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि वो सारस्वत ब्राह्मिन है। इवन जो संसद पे हमले पे जो दोषी थे उन्होंने मैं नाम भूल रहा हूँ, आप लोग जानते होंगे, ठीक है, जो जिनको फांसी पे चढ़ा दिया गया वो भी खुद वो क्लेम कर रहे थे कि उनका जो एंसेस्टर था वो ब्राह्मिन्स थे। और इस बीच में सिखों की लड़ाई हुई है, सिखों और अंग्रेजों की लड़ाई हुई है। फिर वहां पे रंजीत सिंह के सेनापति के कुछ थे राजा हरि सिंह के पूर्वज, उन्हें दी गई है। वो डोगरा राजपूत हैं, ठीक है। तो वहां पे जैसा हिस्ट्री खोजने से लगता है कि उन जो जो रूलर क्लास था उनका वर्किंग क्लास के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर नहीं था मतलब, और वो रिलीजन का मामला नहीं था, वो रूलर क्लास और वर्किंग क्लास जो बहुसंख्यक आबादी थी उसका मामला था, उसमें रिलीजन वहां पे कहीं पे नहीं था। और जब आप जब शेख अब्दुल्ला की बात करते हैं तो उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई थी 1939 में, उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया। तो कहने का मतलब उनका मैं जब पूरा पढ़ा, नया कश्मीर के नाम से उन्होंने एक अपना प्रस्तावना लाया था और उसने उन्होंने वहां पे जमींदारी प्रथा के खिलाफ भी उन्होंने लड़ाई और लैंड रिफॉर्म, काफी उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को मैंने पढ़ा, काफी मतलब क्रांतिकारी उनका अप्रोच था, बहुत ही अच्छा अप्रोच था उनका शेख अब्दुल्ला का। और शेख अब्दुल्ला कभी भी पाकिस्तान परस्त नहीं रहे हैं, वो हमेशा उनकी लॉयलिटी जो है वो इंडिया के प्रति रही है। लॉयलिटी के साथ वो उन्होंने बार बार पूरा जब मैं देखता हूँ तो उन्होंने बार बार बार्गेन किया है इंडिया से, उन्होंने बार बार बार्गेन किया है और वही बार्गेन उन्होंने फारूक अब्दुल्ला भी ने भारत से किया है। लेकिन उनको ओवरऑल ये समझ में आया कि वो पाकिस्तान में मिल जाने के फेवर में कभी भी उनका स्टैंड नहीं रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। और 1939 के बाद से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने
अपने नाम में को उन्होंने चेंज किया, मतलब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो था उन्होंने अपना नाम चेंज किया और उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना नाम रखा है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस रखने का मतलब वो ये मैसेज देना चाहते थे कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, जो जिसकी हम पॉलिटिक्स करते हैं, जिसकी हम बात करते हैं, वो बुद्धिस्ट लोगों की भी बात करते हैं, जो हिंदू आइडेंटिटी है उसकी भी बात करते हैं, बट और उनमें बहुत सारे मेंबर जो थे वो हिंदू लोग भी थे और उसमें एक मेंबर जो था जो किरण बेदी देखते हैं उसके शायद दादाजी भी थे, मतलब ऐसा मैंने पढ़ा है कहीं पे। और जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है या आजादी के बाद से जो तीन चॉइस थे कि आप पाकिस्तान में मिल सकते हैं या इंडिया में मिल सकते हैं या इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, तो जस्ट जो है वो हैदराबाद का जो मैटर है और जो कश्मीर का मैटर है वो एक दूसरे का मिरर इमेज था। तो पाकिस्तान का निर्माण ही इसलिए हुआ था रिलीजियस ग्राउंड पे कि मुस्लिम आबादी, उनका कल्चर है, हम अलग नहीं रह सकते। तो ये स्वतः एक ओपिनियन बन गया पब्लिक में कि भाई जो जो कश्मीर, अब देखिए कश्मीर जो है वो मेजोरिटी जो धीरे धीरे वर्किंग क्लास था वो पूरा इस 1400 ईयर से लेके 14वीं शताब्दी से लेके 20वीं शताब्दी तक वो धीरे धीरे वर्किंग क्लास पूरा मुसलमान बन गया और कश्मीरी पंडितों को पता भी नहीं चला या उन्होंने कभी सूद नहीं ली, कभी उन्होंने अपना माना नहीं माना, मतलब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, कि वहां के लोग जो है अपने फेथ को बदल रहे हैं, उन्हें कोई कभी समझ में नहीं आया। और जो कश्मीर में जो 1927 में जो ये था कि वहां पे कोई बस नहीं सकता, वहां पे कोई लैंड नहीं ले सकता, इस तरह की जो कानूने बनी है वो महाराजा रणजीत सिंह ने 1927 में बनवाई है और वो इसलिए बनवाई है, वो उसके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में कश्मीरी पंडित थे और वो इसलिए बनवाई क्योंकि पंजाब के जो बाकी जो जम्मू कश्मीर से सटा हुआ इलाका है वहां से बहुत सारे पंजाबी लोग जाके वहां पे बिजनेस कर रहे थे, तो उनका जो कश्मीरी पंडितों का जो वर्चस्व था, जो मोनोपोली थी, वो उनका खत्म ना हो जाए, इसलिए महाराजा रणजीत सिंह को उन्होंने कन्विंस किया और ये 1927 में आया कि वहां पे कोई बस नहीं सकता है। ये कश्मीरी पंडित का स्टैंड था, ये मुसलमानों का स्टैंड नहीं था क्योंकि पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में कश्मीरी पंडित थे और डोगरा राजपूतों का भी कुछ हद तक आंशिक रूप से स्टैंड था और महाराजा रणजीत सिंह जो है वो इंडिपेंडेंट इसलिए रहना चाहते थे, इनिशियली जो स्टैंड था वो इसलिए क्योंकि वो अपने पावर को लूज नहीं करना चाहते थे, मतलब उनका एकदम पॉलिटिकल अप्रोच था, अपने सत्ता को वो लूज नहीं करना चाहते थे। और कश्मीर के आम जो पॉपुलेशन है उसमें ये स्वतः मैसेज चले गया कि यहाँ पे मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान को जब बंटवारा हो रहा है तो यहाँ पे हम हमारी मुस्लिम आबादी जाती है तो स्वतः ही वो पाकिस्तान में जाएगी या ज्यादा से ज्यादा वो जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगी, ये बहुत ही मास में। और जब हैदराबाद की बात आती है तो वहां पे निजाम भी है, वो पहले इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे और निजाम जो हैदराबाद का बहुत बड़ा स्टेट था, कर्नाटक महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश ये तीन स्टेट थे इनमें, तो वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि हम इंडिपेंडेंट रह लेंगे, हम मतलब हम इतने पावरफुल हैं कि हम अपने एग्जिस्टेंस को बना के रख सकते हैं। और इसमें आज जो मीम जो है, ठीक है, इस तरह की जो संगठन है इस्लामिक कट्टरपंथी, उनके इन्फ्लुएंस में भी था, उनका ये था कि या तो हम इंडिपेंडेंट रहेंगे या ज्यादा से ज्यादा होगा तो हम पाकिस्तान में जाएंगे, मतलब इंडिया में तो उनका कोई विलय का कोई मतलब उन्होंने सोचा ही नहीं था कि हम इंडिया में विलय करेंगे, वो उनका इंटेंशन ही नहीं था। और यहाँ की भी जो मैक्सिमम जो पब्लिक थी वो भारत में रहना चाहती थी। तो एक और चीज है, मैंने जब और पता किया कि ये निजाम की फैमिली का एंसेस्टर कहाँ पे है, क्योंकि मैं हैदराबाद में रहा हूँ, वहां का जो मुस्लिम देखा मैंने वो सारे व्हाइट रेस के हैं, पूरा लंबे गोरे हैं, और जो आंध्र प्रदेश की जो लोकल पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन डार्क है, थोड़ा गेहुआ कलर है, मतलब वो पूरा व्हाइट, मतलब वो डिफरेंट रेस साफ साफ दिखता है। तो मैंने पता किया ये तुर्की लोग हैं, ये तुर्किस्तान के तुर्की मुसलमान हैं ये, और ये मुगल पीरियड में ये लोग मुगल पीरियड की छत्र छाया में धीरे धीरे इनके आर्मी में एडमिनिस्ट्रेशन में थे और यहाँ पे ये सेटल हो गए थे और ये मुगल जो एम्पायर था उसके अंडर में थे। बाद में औरंगजेब में 1703 में उनकी मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की, तो ये इन्होंने अपने आप को ये एक तरह से ऑटोनोमस मतलब फ्री के तरह ही अपना चला रहे थे। तो वो तो सरदार पटेल आप देख रहे हैं। जहां तक बात है कि विलय पत्र की, मैंने बहुत सारा चीजों को ढूंढा, तो विलय पत्र जैसे हर एक, जैसे कश्मीर का जो विलय पत्र है वो एक ही विलय पत्र सारे स्टेट का है, तो इसलिए जो इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि कश्मीर
का जो इंडिया में विलय हुआ तो इसमें सारे कंडीशंस थे, बाकी स्टेट के साथ दूसरे टर्म थे, बाकी किसी के साथ नहीं, सबके साथ एक ही कंडीशंस थे, एक ही कॉपी, एक ही चीज टाइप हुई थी और उसमें खाली जगह छोड़ी गई थी जिसमें से डेट लिखना था और वो राजाओं का नाम लिखना था और एग्रीमेंट किसके किसके बीच हुआ, किसके सिग्नेचर चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के, राजा वो माउंटबेटन के सिग्नेचर चाहिए, वो एक ही विलय पत्र था। इसलिए ये जो बताया जाता है कि कश्मीर का विलय भारत में किसी और तरीके से हुआ और स्टेट का और तरीके से हुआ, ये बातें गलत है। कश्मीर का विलय भारत में वैसे ही हुआ है जैसे हैदराबाद का विलय भारत में हुआ है, और इसका आप जानते हैं इसका सबसे बड़ा श्रेय जो है वो सरदार पटेल को है, और सरदार पटेल ने तो वो एक तो वो बोला था कि ये आप जो बोलते हैं वित्त और फॉरेन ये सब कुछ दो चार मामले छोड़ के आपके आपको पूरा फ्रीडम देगा, वो बढ़ाने फुसलाने वाली बात थी, वो देश बनाने की बात थी, और सरदार पटेल ने वो चीज मतलब प्यार से दरा धमका के इतना बड़ा देश बनाया उन्होंने, और यदि ऐसा नहीं करते तो ये भारत नहीं होता और आज भारत के इतने टुकड़े होते। तो वो सही था, हमें देश बनाना था, सरदार पटेल ने किया, और आज देखिए कि मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैदराबाद में लोग हम लोग आते जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमें तो हैदराबाद और कर्नाटक और केरला जाते हैं तो हमें लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, वहाँ के हम सेंटिमेंट को नहीं समझ पाते हैं, पब्लिक के सेंटिमेंट को बात करके, लेकिन हम कोई लाहौर है, कश्मीर है, तो पाकिस्तान है, पंजाब है, तो हम तो हिंदी समझते हैं, वो तो बैक कल्चर हमारे मोर क्लोज थे, बट हमारी जो पूजा पद्धति या उपासना की पद्धति थी वो अलग हो गई, उन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन को स्वीकार कर लिया जिससे हमारे बीच में इतनी खाइयां हो गई, और जो साउथ इंडिया के जो लोग हैं वो हिंदू आइडेंटिटी में वो आज भी किसी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन को नहीं मानते हैं, तो हमारे बीच में कोई गैप नहीं है, इसके बावजूद भी कि मतलब इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हमारे बीच में वो दरार नहीं है जो दरार जो है ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन इस्लाम ने हमारे बीच पैदा किया है। तो ये इंडिया में मर्ज हो गया। कश्मीर का जो मामला है तो उसमें जब कश्मीर जब मर्ज हो रहा था इंडिया में, जब हरी सिंह ने सिग्नेचर कर दिया तो अली जिन्ना ने प्रतिक्रिया, चूंकि वो जूनागढ़ और हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे पर्सनली जूनागढ़ को, तो अली जिन्ना को ये उन्होंने अपनी आर्मी को बोला कि तुम इंडिया पे अटैक करो, उनके आर्मी चीफ का कमांडर ब्रिटिश था, उन्होंने मना कर दिया, तो जिन्ना का खुन्नस था। अब यदि मैं पूछता हूं कि ये मामला मान लीजिए कि कश्मीर के पब्लिक का है कि राजा ने इंडिया में विलय कर दिया, कश्मीर की पब्लिक इंडिपेंडेंट रहना चाहती है, मान लिया उसका कुछ हिस्सा वो पाकिस्तान में जाना चाहती है, तो ये जो मामला है ये भारत के बीच है और भारत की जो कश्मीर की जनता है वो उसके बीच का मामला था, पाकिस्तान का इंटरफेयर तो कहीं से लॉजिकली नहीं बनता था। पाकिस्तान किस हक से इंटरफेयर करता है? पाकिस्तान इस हक से इंटरफेयर करता है क्योंकि हमने बांग्लादेश को अलग किया, ठीक है, जो बांग्लादेश खुद अलग होना चाह और हमने उसे सपोर्ट किया और हैदराबाद को हमने मिला लिया। पाकिस्तान का जो इंटरफेयर करने का जो रीजन है सिर्फ और सिर्फ रीजन है इस्लाम और मुसलमान। तो हमारी भारत की जो फिलॉसफी है, भारत एक सेकुलर पंथनिरपेक्ष देश तो पहले से ही था, आज के समय में संवैधानिक टर्मोलॉजी में हम सेकुलर की बात करते हैं, तो भारत का जो दर्शन है देश का उसको लेके वो सेकुलर है और पाकिस्तान जो है रिलीजियस ग्राउंड पे कश्मीर पे इंटरफेयर कर रहा है। तो भारत की जो देश, भारत का जो अस्तित्व में बने रहने का जो दर्शन है वो तो पाकिस्तान जब तक अस्तित्व में रहेगा भारत के दर्शन को, भारत की फिलॉसफी को वो चैलेंज करेगा। मामला कश्मीर नहीं है, मामला पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस है। पाकिस्तान जब तक एग्जिस्ट करेगा तब तक हम चुनौती, जब तक भारत के लिए संकट है, जब तक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के आधार पे देश को, देश की आइडेंटिटी को हम एक्सेप्ट करेंगे तब तक हमारे लिए चुनौती है। और वहां की जो पब्लिक थी, जब वहां पे गोरिल्ला पख्तून कबीले ने जब कश्मीर में आक्रमण कर दिया है आजादी के जस्ट बाद और भारत की आर्मी गई है तो शेख अब्दुल्ला के रिश्ते जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से काफी अच्छे रहे हैं, और शेख अब्दुल्ला ने आजादी से जस्ट पहले कश्मीर को राजा हरि सिंह को कश्मीर से वापस, जैसे हमने गांधी जी ने बोला था कि भारत अंग्रेजों छोड़ो, तो उन्होंने हरि सिंह के खिलाफ वैसा ही उन्होंने आंदोलन किया था कि आप जो है कश्मीर को छोड़ दो, कश्मीर जो है वो कश्मीरियों का है, आप एक तरह से शासक हो, रूलर हो, आप लोगों को एक तरह से हमारे वर्किंग क्लास का आप शोषण करते हो, और कुछ ऐसी जब डोगरा या सिख का रूलर था तो वहां पे ये था कि वर्किंग क्लास के बीच काफी टैक्स था,
तो वो मतलब जो वहां के राजा हरि सिंह के प्रति बहुत अच्छी चीज है, इमेज नहीं थी जैसा हमें पढ़ के लगा। और उसके बाद इनके रिश्ते राजा हरि सिंह के और शेख अब्दुल्ला के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे, बट शेख अब्दुल्ला के जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू से रिश्ते बहुत अच्छे थे। तो जब और उसके बाद जब शेख अब्दुल्ला नेहरू के कहने पे शेख अब्दुल्ला को छोड़ा जाता है, फिर धीरे धीरे शेख अब्दुल्ला जो है वो सेंटर में आ जाते हैं, राजा हरि सिंह साइड हो जाते हैं। तो उसके बाद बहुत वो अपना उसी बीच में 1954 में बहुत सारा वो ब्लैकमेल करते हैं शेख अब्दुल्ला नेहरू को, और वो 35A जो आप देखते हैं कि बिना संसद में बिल पास किए हुए उस चीज को वो एक प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के अध्यादेश पे उसे वो संविधान में जोड़ दिया गया 35A। और जहां तक ये बात करते हैं कि 35A में इस तरह की प्रावधान बाकी स्टेट की बात करते हैं, तो ठीक वैसा ही प्रावधान बाकी स्टेट में है, सिक्किम में भी है और हर एक स्टेट में है, क्योंकि वहां का जो डेमोग्राफी है, जो उनका जो ट्राइबल पीपुल है, उनका जो कल्चर है, जो इन्वायरमेंट है, उसको वहां पे डिस्टर्ब ना हो उस इंटेंशन से ये चीजें है, उसको प्रिजर्व करके रखा जाना चाहिए। तो ये चीजें हैं, वो चीजें कश्मीर में इस एंगल से नहीं आई थी 1927 में। कश्मीर में ये था कि कश्मीरी पंडितों का मोनोपोली खत्म ना हो जाए, इसलिए 300 मतलब इस तरह की बाहर के लोगों को एंट्री नहीं होने दिया। अब देखिए, अब आपने उसी चीज को इंडिपेंडेंस के बाद उसने कैरी फॉरवर्ड करा दिया। अब मैं पूछता हूं कि कश्मीर के लोग जो हैं वो पूरे भारत में, कश्मीर के यूथ पूरे भारत के किसी भी कॉलेज में पढ़ सकते हैं, कहीं पे वो स्कॉलरशिप ले सकते हैं, कहीं पे वो जमीन खरीद सकते हैं, कहीं पे वो घर बना सकते हैं, कहीं पे वो फ्लैट खरीद सकते हैं। लेकिन हम चलिए ठीक है, वहां पर जो इन्वायरमेंट है या जो प्रकृति का जो संरक्षण है, जिस तरह का क्लाइमेट वेदर है, ज्यादा लोग जाएंगे तो उनकी पूरी चीजें अनबैलेंस हो जाएगी। उस एंगल से हम सही मानते हैं कि कश्मीर में बाकी लोगों को इतनी आसानी से बसने नहीं दिया जाए इन्वायरमेंट के पर्पज से, ठीक है। और लेकिन ये लोग बोले कि वहां की संस्कृति खतरे में आ जाएगी, तो मैं पूछता हूं कि जो कश्मीर की जो संस्कृति थी, कश्मीर की जो संस्कृति थी वहां पे जो कंपोजिट कल्चर की बात करते हैं, तो वहां कंपोजिट कल्चर में जो मार्तंड सन टेम्पल है उसको आपने बर्बाद कर दिया, जो आपका हिंदू बहुत सारे जो धार्मिक स्थल थे, ठीक है, शारदा पीठ उसने बर्बाद कर दिया आपने, डिवाइन स्प्रिंग उसे बर्बाद कर दिया आपने, माउंट हरमुख बहुत बर्बाद, इतने सारे मंदिर, इतने सारे जो उपासना के स्थल थे उसकी उसे वो आज कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। किस कंपोजिट कल्चर की बात करते हैं आप? कंपोजिट कल्चर में तो वो भी आता है, कंपोजिट कल्चर में बुद्धिस्ट आता है, ये पूरा का पूरा। उसके बाद आजादी के बाद से धीरे धीरे चीजें जो है वहां पे ये था कि रेफरेंडम होगा, मतलब जनमत संग्रह होगा। तो जनमत संग्रह सिर्फ भारत में नहीं होना था, जनमत संग्रह पाकिस्तान के कश्मीर में भी होना था, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को पूरी तरीके से गवर्न जो करती है वो पाकिस्तान करती है, हम उसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, और वहां के जो कश्मीरी हैं उसे आजाद कश्मीर बोलते हैं। तो जो कश्मीर को लेके पूरे दुनिया में जो डिबेट होती है वो भारत के कश्मीर को लेके डिबेट क्यों होती है? वो डिबेट तो पाकिस्तान के कश्मीर को लेके होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्यूपाई तो पाकिस्तान ने किया है, और उसके ठीक है ऑक्यूपाई उन्होंने किया है, वहां पे उन्होंने पूरा जो है वहां के लोग जो है वो फ्रीली इमरान खान वो वहां पे जा रहे हैं आ रहे हैं, पता ही नहीं चलता है कि वो पाकिस्तान आजाद कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, या वो पाकिस्तान है, क्या इसमें कोई डिफरेंस है क्या? वो तीनों चीजें एक ही साथ चलती है। और धीरे धीरे जो रेफरेंडम को लेके जो है वो कश्मीरी जनता में आवाज शुरू से उठते रही थी कि रेफरेंडम होना चाहिए, रेफरेंडम होना चाहिए। इंडिया ने उसके बाद कई बार, इंदिरा गांधी ने धमकाया शेख अब्दुल्ला को, तो शेख अब्दुल्ला ने कई बार स्टेटमेंट दिया कि नहीं, हम रेफरेंडम की बात ही नहीं, अब हमें तो भारत में ही रहना है। तो कहने का मतलब मामला संभल गया। 1986-87 में वहां पे रेफरेंडम कराने को लेकर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट इस तरह के संगठन उभरते हैं, उसमें यासिन मलिक भी आप देखते हैं आगे जुड़े हुए, उन लोगों ने रेफरेंडम को लेके वो उग्रवादी संगठन उभरा, और धीरे धीरे जब वो उग्रवादी, और उन्होंने फिर अपने इलेक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट करने की कोशिश की, और इंदिरा राजीव गांधी को लगा कहीं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की जगह वो यदि जीत जाएंगे JKLF, तो फिर वो जो है वो उनका पूरा पाकिस्तान बेस सपोर्ट था, इस्लामिक कट्टरपंथी था, कहने का वो बोलते थे सेकुलर हम कश्मीर बनाएंगे, आजाद कश्मीर, दोनों वो बोलते थे कि दोनों भारत का कश्मीर और पाकिस्तान का कश्मीर दोनों को मिला के हम इंडिपेंडेंट कश्मीर बनाएंगे। लेकिन उसको पूरा जो बैकअप था वो पाकिस्तान के बैकअप पे था। फिर धीरे धीरे भारत वहां से, केंद्र सरकार ने वहां पे इंटरफेयर किया, वो चुनाव जो है वो इनकी तरफ झुका दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस की, ठीक है।
वहां पे जो रेफरेंडम को फिर वहां की जो पब्लिक जो मोबिलाइज होती है अगेंस्ट इंडिया वहां से होती है, और वो पूरी तरीके से वो अब वो आजादी और वो हथियार मतलब सशस्त्र आंदोलन के लिए वो खड़ी होती है, पूरा वो टेररिज्म में बदल जाता है 87 के बाद से। और वो जो टेररिज्म में बदल जाता है उसे पूरा का पूरा वो इस्लामिक कट्टरपंथी था, उसमें आजाद कश्मीर का नारा था, उसमें कश्मीरियत की बात थी, लेकिन वो कश्मीरियत की बात आजाद की कश्मीर इस्लामिक कट्टरपंथी अल्लाह हो अकबर हम इस्लामिक राष्ट्र वो सब ओवरलैप करता हुआ मिलता है, मतलब सो एक दूसरे से मिल रहा है, वहां ISI भी है, इस्लामिक कट्टरपंथी भी है, मिडिल ईस्ट के कंट्री का इंटरेस्ट है, तो पाकिस्तान आर्मी है, टेररिज्म है, उसके बाद वही भीड़ जो है वही क्राउड जो है वो मस्जिद में जाके वो अनाउंस करती है, और आज जो कुछ नेताओं ने स्पीच दिया कि कश्मीर से बहू लाएंगे, तो कश्मीर से बहू लाएंगे तो उनका स्टेटमेंट कंप्लीट है, कश्मीर से दामाद भी इनको लाना चाहिए, नहीं ये बोलना चाहिए, और बहू जो है वो कोई उस तरह का टर्म नहीं है, बहू का मतलब होता है कि आप अपने परिवार का सदस्य बनाएंगे, बट उन्होंने ये भी बोलना चाहिए कि सिर्फ फीमेल के लिए नहीं मेल के लिए, वो मेल माइंडसेट है। तो ये सारी चीजें जो हुई, तो लेकिन जब मस्जिद से कैसे नारे लगाए गए हैं, उस क्राउड ने उस भीड़ ने क्या नारे लगाए हैं कि कश्मीरी पंडितों तुम यहां से कश्मीर छोड़ो और अपनी अपनी औरतों को छोड़ के जाओ, ऐसे नारे लगे हैं, ऐसे वहां पे अनाउंस किया गया, भीड़ इकट्ठी होती थी, नाम अनाउंस किया जाता था, और कश्मीरी पंडितों को इन्होंने मार मार के वहां से भगाया है। और वर्किंग क्लास जो वहां पे थी उनका कश्मीरी पंडितों से कोई सैंपैथी नहीं था, सैंपैथी नहीं होने की वजह थी, वो रिलीजन वाला मामला बाद में आया है, वो मामला था कि वो वहां के हर एक तरह के ऑफिस में प्रशासन में कॉलेज में वो जमींदार थे और से कब और उनके प्रति बहुत अच्छी धारणाएं नहीं थी कश्मीरी पंडितों के प्रति, और वहां का जो वर्किंग क्लास था वो ऑलमोस्ट धीरे धीरे वो मुसलमान हो गए थे। और एक बात और नहीं लोग करते हैं कि जब आजादी के बाद से जो पंजाब से जो इस तरह से जो लोग वहां सफाई कर्मचारी गए थे उन्हें नागरिकता इन्होंने नहीं दिया है, उसके बाद जो पाकिस्तान से रिफ्यूजी आए हैं उन्हें नागरिकता नहीं मिला है, उसके बाद यही नहीं, ये जो बात करते हैं कि कोई लड़की कश्मीर की लड़की शादी करती है बाहर के स्टेट से तो उनका जो संपत्ति में राइट नहीं होता है, तो इसको लेके कोई एक थी महिला कश्मीर की, वो सुप्रीम कोर्ट तक गई और सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि नहीं वो राइट ले सकती है, ठीक है अभी तक का ये स्टेटस है। लेकिन इसके खिलाफ ये PDP ने विधानसभा में कानून पास किया है कि उस कानून को फिर बदलने का, इसका देखिए कि इनका दुराग्रह देखिए, इनका इनका अप्रोच देखिए, इन्होंने उसको बदलने का प्रयास किया, तब तक वो बिल पास नहीं हुआ, वो किसी सदन में वो मतलब जो दो वहां पे वो बिल पास नहीं हुआ फाइनली जम्मू कश्मीर में, तो वो अभी तक का स्टेटस है कि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग वो कोई भी महिला यदि शादी करती है तो उसके बच्चे का राइट है, बट लोगों को ये पता है कि राइट नहीं है, लेकिन इनका इंटेंशन साफ साफ इनका दिखता था। और आज के डेट में आज के और 1987 के बाद से धीरे धीरे सिचुएशन खराब हुई, कश्मीरी पंडितों को वहां से छोड़ना पड़ा, और धीरे 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 वो पूरा जो है वो उसके बाद इंडिया ने उसे टेररिज्म को कंट्रोल करने की कोशिश की, फिर कंट्रोल करने में उन्हें 10 साल इंडिया को लगा कंट्रोल करने में, और लेकिन आज आज जो भारत सरकार ने जो और किसी तरीके से जब फारूक अब्दुल्ला कभी BJP में आए फिर BJP से निकल गए, ये सारी चीजें चल रही थी मिलजुल के, लेकिन आज जब मोदी सरकार ने जब 370 खत्म किया 35A में जो संशोधन किए हैं, तो उसके बाद जो वहां पे विद्रोह जो जो लोग भी बोल रहे हैं मतलब इस तरह के वो कश्मीर के लड़के लड़कियां जंतर मंतर पे हर एक जगह प्रोसेस कर रहे हैं, एक आदमी इंडिया का ना उसे थप्पड़ मारा है ना उसे इंसल्ट किया है ना उसे कुछ बोला है, और इतना रोना जहां पे इतने हजारों लोग बेघर हो गए, हजारों लोगों ने अपना घर परिवार अपने कल्चर को छोड़ दिया अपने घर को छोड़ दिया, उसके बाद इतने लोगों की हत्या हो गई, और उसके लिए आप 4 दिन आपके परिवार से बात नहीं हुई तो रोना गाना गा रहे हैं, जैसे किसी बच्चे को पोलियो ड्रॉप दे रहा है तो वो रोने लगता है, वैसे रोने की बात करें, इतना अत्याचार की कहानियां बता रहे हैं आप। तो और उसके बाद जो 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 मैं फेसबुक पे बहुत सारे पाकिस्तान के लोगों को देखा है मैंने लाइव फेसबुक लाइव में कश्मीर के लोगों को देखा है, तो और इंडिया का इंटेलेक्चुअल क्लास देखता हूं, तो जो कश्मीर की भाषा है कश्मीर के लोगों की भाषा है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों की भाषा है,
जो पाकिस्तान के मुसलमानों की भाषा है और जो भारत के सो कॉल्ड सेकुलर की भाषा है, इनमें तो कोई अंतर नहीं दिखता है। तो इसमें तो अंतर करना पड़ेगा ना, इसमें जब आप, और ये पूरा का पूरा जो ओपिनियन गया, जो बांग्लादेश का जो बकरा इस्लाम की भीड़ है वो भी आके सपोर्ट कर रहा है कश्मीर को, भारत का मुसलमान कर रहा है सपोर्ट कर रहा है, कश्मीर का जो है वो अल्लाह अकबर का नारा लगा रहा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का कोई बोल रहा है कि ठीक है हम भारत को सबक सिखा देंगे, उधर बोल रहा है कि भारत के हम 3 टुकड़े करेंगे पाकिस्तान के संसद में, या वहां के लोग बोल रहे हैं। तो ये कब तक रुकेगा ये? और कश्मीर में कुछ लोगों को मैंने ये बोलते देखा है कि हमें आजादी चाहिए और हमें आजादी भारत से भी चाहिए, पाकिस्तान के चाहिए, वो कुछ लोग हैं। क्राउड जो है वो, क्राउड का जो सेंस है वो, सेंस जो है वो कश्मीरियत से नहीं है, वो क्राउड का जो सेंस है वो इस्लामिक राष्ट्र से है, क्योंकि इस्लामिक अवधारणा से है, वो धर्म की जो पवन समझ है उससे है। तो ये सारी चीजें जो हो रही है ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। और भारत जब तक रिलीजियस आधार पे, जब तक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के आधार पे कंट्री की अवधारणा को रिजेक्ट नहीं करेगा, जैसे बांग्लादेश वहां के कल्चर से, वहां से पाकिस्तान से अलग हुआ, इसलिए पाकिस्तान के 2-4 टुकड़े कराने बहुत जरूरी हैं, बलूचिस्तान को अलग कराया जाए। और कश्मीर की बात करें तो कश्मीर को भी आजादी पहले पाकिस्तान से भी चाहिए। और भारत में जो संगठित ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन इस्लाम, ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसको समय रहते यदि इसको नोटिस नहीं किया गया, जिस तरीके से ओबेसी राजनीति कर रहे हैं, वो अली जिन्ना से भी राजनीति उनकी खतरनाक है। और मैं मुस्लिम यूथ को बोलना चाहता हूं कि आजादी के इतने सालों में, 70 सालों में कोई मुस्लिम लीडर क्यों नहीं पैदा होता है? कैसे पैदा होगा जब आप, आपकी समझ ही धर्म के खांचे की है, जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, अमित शाह गृह मंत्री बन सकते हैं जैन होके, मदन मोहन आजाद बन सकते हैं, आप लीडर क्यों नहीं बन सकते हैं? आपने वो अप्रोच ही नहीं लिया है कभी। आप जो है बकरा बन के आएंगे पब्लिक में के बीच में, आप रिलीजियस सेंटिमेंट से बात करेंगे, मुसलमान की बात करेंगे, इस्लाम की बात करेंगे, अल्लाह की बात करेंगे, उसका कोई बाउंड्री ही नहीं है। वो बाउंड्री आपका पूरा इस्लाम में पूरा हो जाता है तो आपके अंदर तो मतलब एक ज्योग्राफिकल जो बाउंड्री है कंट्री की, उसका तो वो तो पैरामीटर ही नहीं है आपके कंट्री में। आपका एक्सेप्टेंस कैसे नहीं होगा? और आप बोलते हैं कि मुस्लिम का एक्सेप्टेंस नहीं है, यहां की पब्लिक बहुत ही भोली है, वो सबको स्वीकार करती है। दिलीप कुमार का नाम यूसुफ खान था और एक दर्जन से ज्यादा मैंने ऐसे मुस्लिम एक्टर्स को जानता हूं, नाम सुना है मैंने, जिसका नाम मुसलमान था और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में करने के लिए अपना नाम जो हिंदू नाम रखा और उससे काम किया। धीरे धीरे देखिए सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, पूरी मुस्लिम इंडस्ट्री खानों की है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुस्लिम का एक्सेप्टेंस इंडियन सोसाइटी में नहीं था या भारत की पब्लिक ने उसे स्वीकार नहीं किया? भारत की पब्लिक ने आपको खुशी खुशी स्वीकार किया है। और आज यदि पॉलिटिकल लीडर के रूप में मुस्लिम लीडर्स नहीं होता है, आज यदि आजम खान चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता है या कोई इंडिपेंडेंट लीडर नहीं हो सकता है, तो उसके लिए दूसरा कोई जिम्मेवार नहीं है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो इस देश के ऑर्गेनाइज रिलीजन के खांचे में रह के जो इस्लाम धर्म की समझ की जो कठोर समझ है, जो अरब की संस्कृति और कल्चर को लेके जो इनसिक्योर होके जो घूमते रहते हैं, इसलिए आपका इंडियन सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है। आरएसएस और भाजपा तो छोटी चीज है, आरएसएस और भाजपा तो जो पब्लिक के बीच में जो आपके प्रति ओपिनियन है उसका वो रिफ्लेक्शन है। तो आपको सुधरने की जरूरत है और यही कहना था। और इस पे कुछ चीजें छूट गई हो तो हम बाद में बात करेंगे, क्लोज कर दीजिए।